यारे ला के तो थी गई दूर छुआरा, यारे ला के तो थी गई दूर छुआरा, माया तेरे उते दाढ़ी मजबूर छुआरा, माया तेरे उते दाढ़ी मजबूर छुआरा। दस कीवें करा तेरे नाल प्यार छुहे रे, दस कीवें करा तेरे नाल प्यार छुहे रे, हर बंदा बंदा तेरा है यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम हैं सुन्नी टीटीएस, टीटीएस टनाटन सुन्नी। हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर, खिचड़ा हो या खीर बड़े पीर दस्तगीर, खिचड़ा हो या खीर जी। कभी लाइव मत बिठाना। आज की वीडियो की खास बात पता क्या है? नहीं। आज की वीडियो के अंदर एक काफिर बुत परस्त आदमी पता क्या कह रहा है, इस्लाम के अंदर जिस तरह से बुत परस्ती हराम है उस तरह से कब्र परस्ती भी हराम है, फिर ना जाने ये मुसलमान जो है किस तरफ चल पड़े हैं। जो चीज बरेलवियों को यानी कि जो चीज कब्र परस्तों को एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ना कि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती की तरह कब्र परस्ती, कब्रों को चूमना चाटना गैरुल्लाह से मदद मांगना जो है वो हराम है, वो चीज हिंदू शख्स मान रहा है। मानना तो इनको चाहिए था जो कि कलमा को मुसलमान है, लेकिन वो शख्स मान रहा है और वो इस चीज का इकरार कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान, उसमें बुत परस्ती कहां से आ गई। नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कब्र बना करके उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है, ये कुरान के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन ये कब्जाधारी लोग कुरान को नहीं मानते हुए ये चीजें भी करते हैं। मोमिनों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और लानत है, आप तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। गैर मजहब के लोग आके हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारी इस्लाह कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। इस्लाम को पढ़ के वो बंदा बता रहा है कि कुरान पाक के अंदर और हदीसों के अंदर बुत परस्ती हराम है, उसी तरह से कब्र परस्ती भी हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिक्र कर रहा है ये शख्स। कौन सी हदीस? कि मेरे बाद कब्रों को पक्का मत करना, कब्रों पर मजावर बन के मत बैठना, कब्रों को इबादत गाह मत बनाना। तुमसे पहले वाली कौमें इसी वजह से बर्बाद हुई कि जब उनमें कोई प्यारा या कोई भी नेक इंसान फोत हो जाया करता तो वो उनकी कब्र को पक्का बनाकर मजावर बन के बैठते थे और इबादत गाहें बना लिया करते थे। और तुम वही काम करने को इस्लाम कहते हो, उसी चीज को तुम जो है रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। नबी पाक ने फरमाया हदीसे सकलैन में कि मेरे बाद आए लोगों दो चीजें थाम लेना, गुमराही से बच जाओगे, कुरान और अहले बैत। और इनके मदारसों में क्या होता है? इनके मदारसों में इन्हीं के सो कोल्ड वलियों की कहानियां सुनाई जाती है। आप देख नहीं रहे होते कि इनको सही बात हजम नहीं होती। हर किसी ने मिंबरे रसूल पे बैठ के अलग अलग पीर की कहानी सुनानी है और अक्सर औकात तो ये होता है कि एक कहानी होती है और अलग अलग पीरों पर जो है उसको डिफाइन किया जाता है। और जो इनको माने वो पक्का सच्चा मुसलमान है और जो इनको ना माने वो शख्स गुमराह है, वो उसके अकायद खराब है, उसके पीछे नमाज पढ़ना भी जो है वो हराम है, नाउज़ु बिल्लाह, और उसके हाथ का ज़िबह किया पका खाना ये सब हराम है। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम, मैं कहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर कभी शर्म आ ही नहीं सकती। तुम बुत परस्ती वाली चीज़ें इस्लाम के अंदर लेकर आ रहे हो, इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? बुत परस्ती इस्लाम में हराम थी ना, तुमने उसी चीज़ को उठा के किधर डाल दिया इस्लाम के अंदर और उसको तुमने बोल दिया कि ये इस्लाम है। अल्लाह तुमसे एक एक पल का हिसाब लेगा जो तुमने लोगों को शिर्क सिखाया, उनके माल पे काबिज हुए और उनके ईमान पे काबिज हुए, ये मेरी बात याद रख। और कौन कौन मेरी इस बात से मुत्तफिक है उस चीज़ का रिप्लाई मुझे कमेंट में जरूर करना। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। Thank you.
अब जिन बंदों के घर में न सुनी जाती हो, जिनको बीवियों से जूतियां पड़ती, औलाद से जूतियां पड़ती हो, और ऐसे बंदे को जाहिलों में चंद झूठी बातें करने के बाद वली और पीर मान लिया जाए, इस तरह से उसको इज्जत दी जाए, सजदा किया जाए, कुत्ते के बच्चे पे इस तरह से पैसे निछावर किए जाए, उसको इज्जत ये पसंद नहीं होगी है? एक ऐसे बंदे के साथ ये सारे मामलात किए जाएं तो उसको तो ये पसंद होगा कि लोग मुझे सजदा कर रहे हैं। लानत अल्लाह से डर वो मेरे भाई, पता नहीं लोगों के दिल के अंदर क्या भरा होगा, फोन की जगह क्या चल रहा है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, इनको जरा एहसास नहीं आ रहा, जरा शर्म नहीं आ रही इन लोगों को सजदा अल्लाह ताला के साथ पर, क्योंकि ही इज अ क्रिएटर। तुम क्रिएटर हो तो तुम कुछ बनाकर दिखा दो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया, लेकिन ये चंद ऐसे हरामी लोग हैं जो इस मखलूकात पर धब्बा है। बदतरीन इंसान है ये लोग, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, जो अल्लाह ताला के बराबर खुद को सजदा करवा रहे हैं। है क्या ये शख्स, आज इसकी गांड बंद हो जाए ना, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बात तो सही है। और जिस अस्पताल में जाए ना ये चूतिया, वहां पर इसको यही बोला जाए खुद जाके खोल, दम कर, फूके मार, खुद कर, जब मुरीदों से कह खोले। इनके ये मुरीद सबसे बड़े जाहिल हैं कि जब पीर हमारी जो है ना ऐसे मरने वाली हो ना, कोई सर का दर्द हो या कोई चीज बंद हो, तो तब इनके मुरीदों को कहना चाहिए कि पीर साहब हमारे सामने आप खुद खोलें अपनी ये चीज, तब जाके पता चलेगा ना दूध का दूध पानी का पानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पीछे लिख देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस नाम की ये तजीम कर रहे हैं। ये इतने तो जाहिल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदीस मुबारक है, एक सहाबी सजदा करने के लिए आया, आपको सजदा करने के लिए जैसे आया, आपने फौरन उसको उठाया, कहने लगे कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरी कब्र पर आकर भी सजदा करोगे? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह नहीं। तो आपने कहा जब उधर सजदा नहीं करोगे यहाँ भी मत करो, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, जात के लिए, क्योंकि ही इज अ क्रिएटर। और अगर उसके बाद किसी को सजदा जायज होता तो मैं खवातीन को कहता, औरतों को कहता कि अपने मर्दों को सजदा करो, जायज होता तो, नहीं है जायज। ये करा ये बाला सुंदरी का वो सच्चे दरबार की जय, ये करा काली पटियाले वाली का वो सच्चे दरबार की जय। जी माँ भगवती बाला सुंदरी के बच्ची ने अरदास लगाई थी ना बेटा सरकारी नौकरी के लिए, आज बच्ची सरकारी नौकरी चढ़ चुकी है माँ बाला सुंदरी के आशीर्वाद से, है ना बेटा, नौकरी माँ भगवती ने दिलाई है, और इससे भी अच्छी नौकरी भगवती गद्दी पे बैठ के वचन कर रही है, इससे भी अच्छी नौकरी जो बच्ची के मन में है उसके वचन कर रही हूँ, डंके की चोट पे बच्ची को अच्छी नौकरी जल्द मिलेगी। जय करा बाला सुंदरी। कुरान कहता है कि तुम सब मिलकर एक मक्खी बनाना चाहो नहीं बना सकते, चुनाचे सूरत अल-हज उसकी आयत नंबर 73 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तद'ऊना मिन दूनिल्लाह लन यखलुकू दुबाबा, कि जिन्हें तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, वला विजतमाउ पूरे इकट्ठे हो जाएं अगले पिछले एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और तुम कब्रों पर जाते हो मजारों पर जाते हो एक बच्चा लेने की, कुक्कड़ ले ले तो पुत्र दे दे। लोगों एक मिसाल बयान की जाती है उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाए, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं, इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं। एक दफा ना इसी हवाले से मेरी मेरे कजन से बहस हो गई, और यकीनन वो ये वीडियो देख रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक वो बंदा चेंज हो चुका है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद भी वो बंदा कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आएगी। मैंने उसे कहा यार ये जो मुरीद वगैरह अपने पीरों को सजदा करते हैं ना, उनसे मदद मांगते हैं, ये शिर्क करते हैं, जो बाजारों पे जाके लंगर चला रहे होते हैं, सबीलें चला रहे होते हैं, चादरें चढ़ा रहे होते हैं, मैंने कहा यार ये इस्लाम में खिलाफ चीज़ है, इस्लाम के खिलाफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ चीज़ है, और कुरान में इस चीज़ के लिए मना है कि बुत परस्ती मत करो, तुम सारे मिलकर मक्खी नहीं बना सकते, और अगर तुमसे कोई मक्खी मच्छर छीन ले जाए तो उसे वापस ले भी नहीं सकते, क्रिएटर सिर्फ अल्लाह। तो उसने मुझे आगे पता क्या जवाब दिया, उसने कहा ये हमारे लिए थोड़ी है, ये तो अल्लाह की किताब है, हिस्ट्री है, और ये अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में मतलब बता रहा है जो बनी इसराइल के लोग थे, कुफर किया करते थे, बुत परस्ती किया करते थे, कि तुम अपनी अबाऊ अजदाद के काम को करते हो, वो भी कहते थे कि ये सच है, तुम उसी को मान रहे हो, क्या तुमने पढ़ा नहीं, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी, क्या तुम्हें अकल शऊर कुछ नहीं था, तो ये सारी चीजें उनके लिए। तो आज मैं उनको ये कमेंट देना चाह रहा हूँ, और उस जैसे जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान जो है ना हिदायत की किताब है, हिदायत की किताब सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो हमसे पहले थे, और हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमसे पढ़ें इसको। जितने भी इनके वाकयात कोड हुए हैं कुरान मजीद के अंदर बनी इसराइल के, अल्लाह ताला ने अगर उन लोगों को जो जो भी अजाब दिए हैं वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे थे, इनके साथ ऐसा हुआ, तुम लोग गुमराह मत हो जाना, तुम्हारे लिए भी फिर दर्द वाला अजाब होगा, और अगर तुम लोग ना भटके तो तुम्हारे लिए राहत सुकून होगा। ऐ नबी फरमा दो कि हम अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करते, और इनको ऐसे बागों में भेजा जाएगा जहां पर दूध की नहरें बह रही है, जो बड़ी सुकून और अमन की जगह है,
तो फिर ये भी अल्लाह ताला उन्हीं के लिए फरमा रहा होगा सुकून और अमन की जगह यानी कि जन्नत, उनका जिक्र भी बने इसराइल के लिए होगा। फिर हम लोग और तुम लोग तो यहाँ पर तेल लेने के लिए आए हैं, जब कुरान पाक जैसी किताब में अजाब उनके लिए सुनाया जा रहा है तो फिर जो सुकून और राहत सुनाई जा रही है तो वो भी फिर उन्हीं के लिए मानो ना, अपने लिए क्यों मानते हो? पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तमाम दुनिया वाले मक्खी का पर नहीं बना सकते, मक्खी नहीं बना सकते। तो मेरा इन कब्र परस्तों से सवाल है कि अगर तुम्हारे ये खौस को तब अब्दाल कोई मक्खी बना सके ना, तो मैं उनको सलाम भी करूंगा और आज के बाद उनको मानूंगा। ये तमाम अपने वलियों को इकट्ठा करो जितने भी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या बड़े सगीर में जितने मौजूद हैं, उनको बोलो एक मक्खी चीज तुमसे चुरा के लेके जाती है उसे छीन लो या फिर एक मक्खी बनाकर दिखा दो। अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया तुम्हें, ओपन चैलेंज दिया, और ये हिदायत की किताब है उन लोगों के लिए भी जो गुजर गए और आने वाले लोगों के लिए भी जो भी आने वाले हैं और जो मौजूद हैं उनके लिए भी। और इसमें जो दर्द वाले अजाब सुनाए गए हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो गुजर चुके हैं, ये उनके लिए भी हैं कि जो दोबारा उन्हीं चीज़ों पे अमल करें। लोग बुत परस्ती किया करते थे, इधर कब्र परस्ती हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, इन्होंने कलमा पढ़ा है। बाकी मुझे काम दिखा दो, मंदिर में घंटी होती है, आजकल पीरों की बाजारों पर घंटी होती है। उधर काली माता पीली माता के कपड़े चेंज किए जाते हैं क्योंकि वो भी मिट्टी और पत्थर के बुत हैं, और इधर क्या होता है मट्टी और पत्थर से बनी मज़ारों की चादरें चेंज की जाती है। और मुझे समझ नहीं आती जिनको वली और पीर मानते हैं उनसे इतना ही पूछ रहे हैं कि पीर साहब आप तो बहुत मतलब पहुंचे हो गए, कामिल बुजुर्ग हैं, आप हदीस सकलैन का मतलब क्यों नहीं बताते? और दूसरे नंबर पर अपने पीर से ये क्यों नहीं पूछते क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर ये फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें बर्बाद इसी वजह से हुई कि जब उनका कोई नेक बंदा फौत हो जाया करता था तो उसकी कब्र को पक्की करके मजावर बन के बैठ जाया करते थे और उनकी इबादत किया करते थे और उनकी कब्रों को इबादत गाह बना लिया करते थे। मेरे जाने के बाद एक काम मत करना, नबी तो सख्ती से मना फरमा के गए, तो अपने पीरों से पूछो आप सारे वही काम क्यों कर रहे हैं जिन कामों से नबी पाक ने रोका, जो काम नबी ने नहीं किया, खुलफा राशिदीन ने नहीं किया, नबी के घराने ने नहीं किया, वो आप क्यों करते फिर रहे हैं? अल्लाह करे कि आपको जवाब मिल जाए। और अगर आपने ज्यादा जिच किया ना तो आपको पता है जवाब के बदले क्या मिलेगा? अगर आपने अपने पीरों को ज्यादा जिच किया, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की कि पीर साहब आज तो आप बताएं, आज तो आप बताएं कि हक और सच क्या है, और आप तो इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, खिलाफ चल रहे हैं इस्लाम के, फिर भी आप खुद को आशिक रसूल मानते हैं, तो आप सच्चे हैं या ये दीन सच्चा है? आपको पता क्या जवाब दिया जाएगा? ये जवाब दिया जाएगा सबसे पहले ये वीडियो देखें आप। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें भाई? आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल दिया। निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ। चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ उसी से पूछ लो ना। ठीक धन्यवाद। हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर पता क्या हुआ है? एक हिंदू शख्स है, उसने अपने वो जो पंडित मुंडित बैठे होते हैं वो जिस तरह से बढ़िया मार रहा होगा कि रूह किसी की निकाल सकता हूँ, वापस डाल सकता हूँ, उसको ये एहसास दिला सकता हूँ कि तेरी रूह में जो है वो कब्ज़ कर रहा हूँ, तो वो बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला कि चलो यार अगर ऐसी ताकत तुम्हारे अंदर है तो तुम करके दिखाओ मुझे लाइव कैमरे के आगे। तो वो आगे से उसको क्या जवाब दे रहा है? धमकी भरे जवाब दे रहा है। हाँ क्यों नहीं कैसे? क्योंकि उसको पता है वो खुलाई कुत्ती का बच्चा है, उसको पता है कि कैमरा आ गया अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो टकले मनहूस इंसान ने क्या किया? इशारा किया, लोगों को इकट्ठा किया कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। जवाब देता ना वो चूतिया, और उससे बड़े बेगैरत वो लोग हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे जब उस बंदे को बाहर निकाला जा रहा था। सारे इकट्ठे होते ना कि पीर साहब बंदा सच बोल रहा करके दिखाओ, मगर नहीं, ये इतने डरे हुए हैं कब्र परस्तों से, बुध परस्तों से इतने डर चुके हैं, इनके ईमान इतने फासिक हो चुके हैं, पीठ पीछे जरूर बोलेंगे हाँ यार बात तो ठीक ही थी, वो बंदा जो था ना खड़ा हुआ था बात ठीक ही थी, बस यार पता नहीं बड़े लोगों की बातें हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं, नहीं यार वो नेक आदमी है, हम कह नहीं सकते, बस एक चीज़ उसकी ख़राब है तो क्या करें, वो जो इस्लाम के कर ही खिलाफ चीज़ रहा है तुम उसको मुसलमान ही कैसे मानते हो? तो मेरे भाई आंखें खोलो, अपने पीरों फकीरों से पूछो और हिम्मत करके खड़े हो जाओ। मगर एक बात बताऊँ, अगर इतनी मार खाने के बाद तुम्हारे पीर को अकल आ जाए या 1,000 करोड़ लोग पीर के खिलाफ खड़े हो जाएँ तो ये तुम्हारी मार आखिरत वाले दिन तुम्हारी ढाल बनेगी। और अगर तुम इस मार के डर की वजह से छुप गए कि नहीं यार मैं नहीं इतनी मार बर्दाश्त कर सकता, तो याद रखना ये मार ऐसी है कि ठीक हो जाएगी,
लेकिन वो मार ऐसी है जो बार बार लगेगी, बार बार लगेगी। कि तेरे पास हिम्मत थी, तेरे पास टाइम था, सोच थी, अकल थी, शऊर था, तेरे रब के खिलाफ, तेरे अल्लाह के खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे, अजीब गरीब बातें कर रहे थे, तेरे सामने तेरे पीरों को सजदा किया जा रहा था, लोग एक दूसरे को सजदा कर रहे थे, और तू चुप करके खड़ा रह गया सिर्फ इस डर से कि तुझे मारना पड़े। तो मुझे आप बताएं वहां पर फिर आपका क्या हाल होगा, या चलो अगर मैं भी ऐसा हूं तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए शेरों वाली जिंदगी जियो, कसरत की बात कर लो, निडर होके जियो, इतना निडर होके जियो कि कफन को यहां पे बांध के फिरो, जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अगेंस्ट बात करो, अपनी जान को हथेली में लेके फिरो। क्यों? क्योंकि कल को इसके इफ्स अगर इतना हो जाए कि अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा, नबी पाक फरमाए कि ये मेरा सच्चा उम्मत ही है, वो बात अफजल होगी या फिर ये बात अफजल होगी कि अल्लाह फरमाएगा जिस तरह इसने हक से मुंह मोड़ा डर की वजह से, अपनी जिंदगी की डर की वजह से, चंद दिनों की जिंदगी की डर की वजह से, और इस तरह नबी पाक फरमाए कि इसने मेरे दिन की पैरवी नहीं की, डर के पीछे हट गया हक, जबकि तबलीग के लिए मैंने भी पत्थर खाए थे काफिरों से, मेरी जूती लहूलुहान हो गई थी, मेरे दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, लेकिन ये दीन से हटा, सच से हटा सिर्फ थोड़ी सी मार के डर से। अल्लाह रसूल आपसे मुंह फेर लें तो फिर आप क्या करेंगे? इस चीज़ का कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ये वीडियोस यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी हर एक लफ्ज़ की, और आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।